दोस्तों इनमें से जो सी वाला फोन है वो फोन ठीक है और बाकी फोन खराब है। और दोस्तों अब मैं सभी फोन की पोजीशन चेंज करूंगा, जिसके बाद आपको ये बताना है कि ठीक फोन कौन से वाला है। तो ध्यान से देखते रहिए। अब अपना आंसर मुझे कमेंट कर बताइए कि कौन से वाला फोन ठीक है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा कि इन चारों में से जो डी वाला फोन है वो ठीक है। दिखने में तो ये सभी टी शर्ट डिफरेंट है, लेकिन इनमें से एक टी शर्ट ऐसी है जो कि रिपीट है, यानी कि दो बार है। तो ध्यान से देखिए और जल्दी से ढूंढिए। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपने वो टी शर्ट ढूंढी ली होगी। जो टी शर्ट रिपीट है वो ये वाली है, ये वाली टी शर्ट दो बार है। अब इस पहेली को आपको अच्छे से देखना है और बताना है कि स्कूल के लिए इन चारों में से क्या चीज सही नहीं है। तो अच्छे से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। इन चारों में से जो फोन है वो स्कूल के लिए सही नहीं है। अब इस पहेली में आपको ये बताना है कि इन चारों में से वेल सबसे ज्यादा किसको पसंद है, ए को, बी को या फिर सी को। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ए वाला आदमी है उसके हाथ पर वेल का टैटू है, और जो बी वाला आदमी है उसने वेल की टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन जो सी वाली लड़की है आपने देखा होगा कि उसके बैग पर वेल कम्युनिटी लिखा हुआ है, तो यानी कि वो लड़की वेल कम्युनिटी का हिस्सा है। तो यानी कि इन तीनों में से जो सी लड़की है वेल सबसे ज्यादा उसको पसंद है।